नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से अपने प्यारे चैनल नर्सिंग ग्लोब के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर कौन सी बुक पढ़ने से होगा सिलेक्शन, UPNSM स्टाफ नर्स नोट सेट 2023 राजस्थान CHO या भी किसी भी नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के लिए। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। हमारे पास इस समय है यह तीनों बुक, जिसमें PR यादव, प्रीति अग्रवाल एवं टारगेट हाई है। तो दोस्तों, UPNHM स्टाफ नर्स की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों के लिए कौन सी बुक रहेगी बेस्ट, क्या उससे बाहर कुछ नहीं आने वाला है, हर एक चीज़ मैं आप लोगों को बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाएं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू। यह PR यादव फोर्थ वॉल्यूम है और इसका ये फ्रंट पेज है। इसमें बुक का दो वॉल्यूम आता है, एक हिंदी एक इंग्लिश, फर्स्ट एंड सेकेंड वॉल्यूम, जिसमें फर्स्ट थ्योरी है तथा दूसरा MCQ है। यह इसका पहला पेज है। इस प्रकार से इंडेक्स का पेज है, जिसमें टॉपिक एवं सब्जेक्ट दिए हैं, जैसे अलग अलग टॉपिक इसके अंदर दिए हुए हैं, फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, मेंटल हेल्थ नर्सिंग, मैटरनिटी नर्सिंग। इसके बाद अगर हम बात करें सेल एवं टिश्यू के बारे में, अदर चीज़ें इसके अंदर बताई गई हैं। पहला क्वेश्चन है, द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ इज, चार ऑप्शन दिए हैं नीचे, इसके अंदर रैशनल भी अवेलेबल है जो हमें और इजी करवाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें पीछे की तरफ, तो लास्ट ईयर के एग्जाम पेपर इसमें नहीं दिए हुए हैं, प्रीवियस ईयर के कोई भी क्वेश्चंस इसके अंदर अवेलेबल नहीं है, जो एक नेगेटिव पॉइंट इस बुक का होने वाला है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट बुक प्रीति अग्रवाल के बारे में। यह वर्धमान पब्लिकेशन की बुक है, नर्सिंग कंपटीशन की एग्जाम की बुक है। 2018 तक सारे एग्जाम पेपर इसके अंदर दिए हुए हैं, 9000 ज़्यादा MCQ है, 6500 से ज़्यादा की पॉइंट्स है, अपडेटेड टेक्स्ट है, फ्लो चार्ट है एंड टेबल्स इस बुक के अंदर आप लोगों को अवेलेबल रहने वाली है। इस प्रकार से इस बुक में कंटेंट यानी कि इंडेक्स की एक पेज दिया हुआ है, जिसमें सारे टॉपिक्स हैं, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, इसके अलावा ये डायग्रामेटिक व्यूज इसके अंदर दिए हुए हैं अलग अलग, जिसके अंदर आपसे एनाटॉमी पता लग पाए। तो दोस्तों, ये बेहतरीन चीज़ है इसकी बुक के अंदर। थ्योरी पार्ट में लेंथ ऑफ लिरिंग्स, ट्रेकिया, हर एक चीज़ आप लोगों को इसके अंदर अवेलेबल मिलने वाली है। थ्योरी का कुछ पार्ट भी इसके अंदर अवेलेबल है, मैन कीवर्ड्स भी इसके अंदर अवेलेबल है। ये इस बुक का बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। की पॉइंट्स अलग अलग टाइप से अवेलेबल है इस बुक के अंदर, जैसे स्कैपोइड, इट इज़ द कार्पल बोन मोस्ट प्रोन टू फ्रैक्चर। तो दोस्तों, इस प्रकार से इस बुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल आप लोगों को होने वाली है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, इसके अंदर इस प्रकार की थ्योरी पार्ट दिया हुआ है और इसके अलावा इसके अंदर क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन इज कॉल्ड एज डर्मिस, एपिडर्मिस, एडिपोज, इस प्रकार से दिए हुए हैं। इनके जो आंसर है वो इसके अंदर बैक में दिए हुए हैं। ये एक तरीके से कुछ लोगों के लिए नेगेटिव और कुछ लोगों के लिए पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रैशनल के अंदर, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, द मोस्ट सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन इज एपिडर्मिस। तो दोस्तों, इस प्रकार रैशनल भी इसके अंदर अवेलेबल है और ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। बैक के अंदर अगर हम बात करें, तो इसके अंदर सारे एग्जाम पेपर है, SSB, DD, DNH, स्टाफ नर्स एग्जाम 2018, बहुत सारे इसके अंदर आप लोगों के लिए एग्जाम पेपर भी है, एम्स भुवनेश्वर एग्जाम 2018, इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम पेपर आप लोगों के लिए इस बुक में अवेलेबल होने वाले हैं। अब हम रिव्यू करते हैं टारगेट हाई बुक का। अभी हमने ये बुक नई ली है,
तो इसकी हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों इस बुक के बारे में हम बताएं, बहुत शानदार बुक है आप लोगों के लिए, टारगेट हाई। तो दोस्तों इस बुक का जो नाम है वो है टारगेट हाई। अब हम इसके बारे में रिव्यू करें तो रिव्यू के अंदर हम लोग देखते हैं इसके अंदर क्या क्या अवेलेबल रहने वाला है। तो देखिए दोस्तों ये फ्रंट पेज है इसका, एकदम कलरफुल इसके अंदर पेजेस हैं, ये इसका एक पॉजिटिव पॉइंट है। और इसके अंदर इस प्रकार से जो अपडेटेड क्वेश्चन कोविड 19 के हैं वो भी इसके अंदर अवेलेबल है, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एम्स नॉर्सेट के अंदर भी हर बार क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट, इसके अलावा इसके अंदर देखिए इस प्रकार से अलग अलग इमेजेस दी हुई है, स्प्लिंट्स के बारे में दिया गया है, जो प्रैक्टिकली बेसिस पे बहुत अच्छा है। और ये देखिए इंस्ट्रूमेंट के नेम भी दे रखे हैं, जो नोट सेट के अंदर बार बार पूछे जाते हैं अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नेम। ये पोजीशंस इसके अंदर दे रखी है, हाई फॉलर्स, प्रॉन पोजीशन, अलग अलग पोजीशंस भी इसमें अवेलेबल है, जो कि कलर प्रिंट में अवेलेबल है। ये इसके अंदर थ्योरी पार्ट भी है, बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है मैन मैन कीवर्ड्स को, अलग अलग कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। इस प्रकार से इमेज बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को इसके अंदर मिलेंगे। और इसके अंदर ये क्वेश्चंस है, जैसे इसके नीचे एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ स्प्लेनेक्टोमी। तो दोस्तों DSSB 2013, तो मतलब बार बार जो एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है, RAK MSC 2018, तो इस प्रकार से दे रखे हैं क्वेश्चन और इसके आंसर भी साइड में दे रखे हैं। देखिए 889 क्वेश्चन नंबर का डी आंसर है, इस प्रकार से आंसर्स भी दे रखे हैं, इस प्रकार से थ्योरी पार्ट, मेन मेन जो थ्योरी पार्ट है वो दे रखा है, और की पॉइंट से साइड में इन लोगों ने दे रखे हैं जो एग्जाम के बेसिस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये टेस्ट के बारे में दे रखा है, वेबर टेस्ट, रीने टेस्ट, अलग अलग टेस्ट के बारे में इसके अंदर कलर प्रिंट में दिया हुआ है। तो इसलिए ये बुक बहुत मायने के अंदर इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए, नोट सेट के लिए रहने वाली है। इस बुक के अंदर जैसे DSSB शिफ्ट एनओ नर्सिंग ऑफिसर 2019, इसके अलावा BHU 2019, इस प्रकार के प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर भी अवेलेबल हैं। तो दोस्तों तीनों बुक की रिव्यू की अगर बात करें तो NHMCSO स्टाफ नर्स के लिए प्रीति अग्रवाल बुक बेस्ट है, बिगिनिंग स्टूडेंट्स के लिए कॉम्पिटिटिव हैंडबुक ऑफ नर्सिंग PR यादव बेस्ट है। इसके अलावा नोट सेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर हम बात करें, उसके लिए टारगेट हाई आप लोगों के लिए बेस्ट रहने वाली है। आप इन सब बुक को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक पे जाके खरीद सकते हैं। आप मेरे इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हैं, रजत कुमार डैश पांडे नाम से मेरी आईडी है।